भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने से पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। शुक्रवार को राहुल गांधी ने देश के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश के युवाओं, आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर हमें स्वामी विवेकानंद के विचारों को फिर से याद करने की जरूरत है। उन्होंने युवाओं की ऊर्जा को भी एक समृद्ध देश का आधार कहा और पीड़ित एवं निर्धन की सेवा को ही सबसे बड़ी तपस्या। राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं को विचार करना ही होगा कि आखिर क्या होगी हमारे सपनों के भारत की पहचान, जीवन की गुणवत्ता या सिर्फ भावुकता। उत्तेजक नारे लगाता युवा या रोजगार प्राप्त युवा, मोहब्बत या नफरत, आज वास्तविक मुद्दों से नजरें फेर कर भावनात्मक मुद्दों का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है जो देश की जनता के साथ छल है। बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के बीच युवा और गरीब पढ़ाई, कमाई और दवाई के बोझ तले दबा जा रहा है और सरकार इसे अमृतकाल बताकर उत्सव मना रही है। सत्ता के अहंकार में चूर शहंशाह जमीनी हकीकत से बहुत दूर हो गया है। राहुल गांधी ने कहा कि अन्याय की इस आंधी में न्याय की लौ जलाए रखने के लिए मेरे साथ करोड़ों युवा न्याय योद्धा स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा से प्रेरणा लेकर न्याय का हक मिलने तक इस संघर्ष में शामिल हो रहे। सत्य जीतेगा, न्याय होगा। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होगी।